तो आपने देखा कि किस प्रकार पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज की गणना अलग अलग कंडीशन में करते हुए हम लाभ हानि नियोजन खाते तक पहुंच पाते हैं। अब तक हमने जिन क्रियात्मक प्रश्नों को हल किया वो बहुत ही साधारण से प्रश्न थे, जिनमें सभी जानकारी आपको प्रश्नों के अंतर्गत दी गई थी। उन जानकारियों के आधार पर और साझेदारी अधिनियम 1932 में बताए गए नियमों के आधार पर हमने बहुत आसानी से पूंजी पर ब्याज की गणना की, आहरण पर ब्याज की गणना की, ऋण पर ब्याज की गणना की और लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते का हमने निर्माण किया। एक कंडीशन ये आती है कि कभी कभी फर्म के जो साझेदार होते हैं वो किसी एक साझेदार को लाभ की गारंटी दे देते हैं, यानी उनको कह देते हैं कि अगर आप हमारे फर्म में साझेदार बनेंगे तो कम से कम इतना लाभ तो जरूर होगा। ऐसे कंडीशन में हम जब लाभ हानि नियोजन खाते का या पूंजी खाते का निर्माण करते हैं तो हम लाभ गारंटी नियम का प्रयोग करते हैं। अब क्योंकि जो पुराने साझेदार हैं उन्होंने नए साझेदार को गारंटी तो दे दी है, अब मान लीजिए फर्म को उतना लाभ नहीं मिला जितना कि उस नए साझेदार के हिस्से में आना चाहिए था, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? अब ऐसे कंडीशन में जिसने गारंटी दी है उसको अपने हिस्से से उस नए साझेदार को पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम लाभ हानि नियोजन खाते के बाद पूंजी खाता बनाएंगे तो वहाँ पूंजी की कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यानी कि जो भी अनुपात प्रश्न में दिया गया है उस अनुपात के आधार पर हम उस नए साझेदार को लाभ देंगे जिसको गारंटी मिली थी कि एक निश्चित राशि, जो भी गारंटी दी गई थी वो निश्चित राशि उसको प्राप्त होगी। कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, कैसे हम उस नए साझेदार को दी गई गारंटी की राशि उसके खाते में पहुंचाएंगे और वो कौन कौन से साझेदार होंगे, किस किस अनुपात में वो अपनी राशि को उस नए साझेदार को देंगे, इस पूरी कैलकुलेशन को समझने के लिए आइए हम इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। अमन, बबीता एवं सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं। इनका लाभ विभाजन अनुपात 2:2:1 है। हालांकि सुरेश को प्रतिवर्ष लाभ के भाग के रूप में न्यूनतम 10,000 रुपए की गारंटी दी हुई है, यदि लाभ में कोई कमी आती है तो वह खाता बबीता द्वारा पूरा किया जाएगा। 31 दिसंबर 2005 एवं 2006 को क्रमशः 40,000 रुपए एवं 60,000 रुपए का लाभ हुआ। इस प्रश्न में हमको और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2005 और 2006 के लिए बनाना है। सबसे पहले हम 2005 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रश्न में स्पष्ट रूप से 2005 का प्रॉफिट दिया है 40,000, जिसको हम क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो इसको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में और 40,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम इनके लाभों का विभाजन करते हैं तो 40,000 को हम 2:2:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम देखते हैं कि अमन के हिस्से का जो प्रॉफिट आता है वो 16,000 आता है, बबीता के हिस्से का जो प्रॉफिट आता है वो भी 16,000 आता है और सुरेश के हिस्से का जो प्रॉफिट आता है वो 8,000 आता है। लेकिन क्योंकि इसने सुरेश को प्रतिवर्ष लाभ के रूप में 10,000 रुपए की गारंटी दी हुई है, किसने? बबीता ने। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुरेश के हिस्से का जो प्रॉफिट है वो केवल 8,000 आ रहा है। तो अब नियम के अनुसार क्या करना होगा कि सुरेश को बबीता अपने जो उसका प्रॉफिट है उसमें से 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देगी। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में जहां पर हमने सुरेश की एंट्री की है 8,000 से, उसमें हम 2,000 और ऐड कर देंगे और यहां हम लिखेंगे ऐड और लिखेंगे डैश करके फ्रॉम बबीता, क्योंकि बबीता से वो प्राप्त करेगा। तो टोटल इसके हिस्से का जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 10,000 और क्योंकि बबीता के हिस्से का, हालांकि प्रॉफिट हमको यहाँ पर 16,000 दिख रहा है,
इसमें से हम माइनस कर देंगे डेफिशिएंसी, यानी कि उसने सुरेश को दिया है 2000, तो वो हो जाएगा 14000। यानी यहाँ पर फाइनली हम देखते हैं अमन के हिस्से में 16000 हमको प्रॉफिट शो हो रहा है, बबीता के हिस्से में 14000 और सुरेश के हिस्से में 10000। और इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम यहीं पे क्लोज कर देंगे। अब हम 2006 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमको प्रॉफिट देखना है, तो प्रॉफिट यहाँ हमको दिख रहा है 60000। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे 60000। और फिर हम इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर में 2:2:1 में, तो अमन के हिस्से में आता है 24000, बबीता के हिस्से में आता है 24000 और सुरेश के हिस्से में आता है 12000। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सुरेश का जो हिस्सा है वो 10000 से ज्यादा है, तो यहाँ पर हमको किसी प्रकार के कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है और 60000 से हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। पिंकी, दीप्ति एवं काकू एक फर्म में 5:4:1 के अनुपात में साझेदार हैं। काकू को यह सुनिश्चित किया गया कि उसके लाभ का भाग कभी भी 5000 रुपए से कम नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ तो यह पिंकी एवं दीप्ति द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। वर्ष का लाभ 40000 रुपए हुआ, आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। अब इस प्रश्न में क्योंकि हमको खाता नहीं बनाना है, हमको डायरेक्ट जनरल एंट्री करनी है, तो हमको कैलकुलेशन फिर अलग से शो करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो 40000 का है, तो 40000 को अगर हम पिंकी, दीप्ति और काकू में 5:4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पिंकी के हिस्से में आता है प्रॉफिट 20000 का, दीप्ति के हिस्से में आता है प्रॉफिट 16000 का और काकू के हिस्से में आता है प्रॉफिट 4000 का। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि काकू को गारंटी दी गई थी कि अगर उसका प्रॉफिट 5000 से कम होता है तो जो दीप्ति और पिंकी है वो उसको बराबर बराबर अपने हिस्से में से देंगे। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काकू के हिस्से की डेफिशिएंसी कितनी है, 5000 - 4000 1000 की डेफिशिएंसी है, तो इस 1000 का आधा यानी 500 पिंकी के प्रॉफिट में से काट लिया जाएगा और इसका आधा यानी कि 500 दीप्ति की कैपिटल जो प्रॉफिट है उसमें से काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि पिंकी का प्रॉफिट कितना हो गया। तो पिंकी का प्रॉफिट हमको मिला था 20000, जिसमें से हम 500 माइनस कर देंगे काकू को देने के लिए, तो एग्जैक्ट इसका जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 19500। दीप्ति के हिस्से में हमने देखा था कि प्रॉफिट आया था 16000, इसको भी हम माइनस कर देंगे 500, तो ये आ जाएगा 15500। और काकू के हिस्से का जो प्रॉफिट था 4000, क्योंकि अब 1000 पिंकी और दीप्ति मिलाकर उसको दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा टोटल 5000, जितना कि उसको मिनिमम मिलना चाहिए था। अब इस पूरे कैलकुलेशन की हम जनरल एंट्री कैसे करेंगे, तो फर्स्ट जनरल एंट्री जबकि हम इसके प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो ये 4000 की अमाउंट को हम उसके क्रेडिट साइड में लिखते हैं क्योंकि ये प्रॉफिट है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग ट्रांसफर नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और 40000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। अब वो एंट्री हम यहाँ पे करेंगे जबकि काकू की डेफिशिएंसी को पिंकी और दीप्ति ने पूरा किया था, तो उसके लिए हम यहाँ पर जनरल एंट्री करेंगे पिंकी कैपिटल अकाउंट डेबिट दीप्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू काकू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग डेफिशिएंसी बॉर्न बाय पिंकी एंड दीप्ति, 500 पिंकी ने दिया था तो उसके डेबिट में हम 500 लिखेंगे, दीप्ति ने 500 दिया था तो उसके डेबिट में हम 500 लिखेंगे और टोटल 1000 के अमाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट जो टोटल है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फाइनली जो हम ट्रांसफर करके लिखेंगे, जो कि हमने कैलकुलेशन में सबसे लास्ट में हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, उसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पिंकीज कैपिटल अकाउंट
टू दीप्तिस कैपिटल अकाउंट टू काकुस कैपिटल अकाउंट, और नरेशन हम लिख लेंगे बींग ट्रांसफर इन प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट। तो पिंकी के हिस्से में हमने देखा कि फाइनली इसके हिस्से में प्रॉफिट आ रहा है 19,500, इसको यहाँ हम क्रेडिट में लिख लेंगे। दीप्ति के हिस्से में आ रहा है 15,500, इसको हम क्रेडिट में लिख देंगे, और काकू के हिस्से में आ रहा है 5,000। तो टोटल ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 40,000 का, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। आजाद और बिन्नी बराबर के साझेदार हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 40,000 रुपए तथा 80,000 रुपए थी। वर्ष के खाते बनाने के बाद पता चला कि साझेदारी संलेख में प्रस्तावित 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज नहीं दिया गया है। यह तय किया गया कि अगले वर्ष के प्रारंभ में एक समायोजन प्रविष्टि की जाए, आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि तैयार कीजिए। प्रश्न में दिया गया है कि जो लाभ हमने कैलकुलेट किया उसको कैलकुलेट कर लेने के बाद पता चला कि जो हमको साझेदारी संलेख में 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाना चाहिए था वो हमने नहीं दिया, तो प्रॉफिट जो है वो चेंज हो जाता है। अब हम इसमें बहुत ज्यादा काट छाट न करके, जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि हम इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कितनी अमाउंट की हमको यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो एक तो हम यहाँ पर देखते हैं दोनों साझेदारों के लिए कॉलम बना लेते हैं, एडजस्टमेंट के लिए एक स्टेटमेंट हम बना लेते हैं, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट और पर्टिकुलर, और फिर आजाद के अमाउंट के लिए और बिन्नी के अमाउंट के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें लिख देंगे कि अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो राशि जो हमको एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर लिखनी चाहिए थी। तो कितनी राशि लिखनी चाहिए थी? 40,000 पे 5% यानी कि आजाद के हिस्से में 2,000, और 80,000 पे 5% यानी कि बिन्नी के हिस्से में 4,000। और लेकिन हमने क्या किया, एक्चुअल जो क्रेडिट किया, यानी हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट विच एक्चुअली क्रेडिटेड एज, वास्तव में जो राशि यहाँ पर क्रेडिट की गई तो वो है यहाँ पर जो 6,000 का जो डिफरेंस आता है, 4,000 और 2,000 कुल मिलाकर 6,000 को जो डिफरेंस आता है उसको हम इक्वल इक्वल रेशियो में यहाँ पर बांट कर लिखेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन में देखा कि जो दो पार्टनर है वो दोनों इक्वल रेशियो में है, पार्टनर बराबर बराबर के साझेदार हैं। तो इन 6,000 के अमाउंट को हम 3,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिफरेंस कितना आता है, आजाद के हिस्से में 2,000 माइनस 3,000 1,000 का, यानी 1,000 एक्सेस आ रहा है। हमको देना चाहिए था, लिखना चाहिए था 2,000, हमने लिख दिया 3,000, तो 1,000 एक्सेस आ रहा है। और वैसे ही बिन्नी के हिस्से में 4,000 हमको लिखना चाहिए था लेकिन हमने लिखा 3,000, यानी 1,000 की डेफिशिएंसी शॉर्ट आ रहा है। तो इसके लिए हम एक जनरल एंट्री पास कर देंगे, क्योंकि आजाद का जो हिस्सा है वो डेबिट बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 टू बिजनेस कैपिटल अकाउंट 1,000, और नरेशन हम यहाँ पे लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड। अमित, सुमित और समीक्षा 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन के साझेदार हैं। अमित एवं सुमित द्वारा समीक्षा के न्यूनतम लाभ 8,000 रुपए की गारंटी ली गई। 31 मार्च 2006 को लाभ 36,000 रुपए था। साझेदारों के मध्य लाभ वितरित कीजिए। इस प्रश्न में हमको एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है साझेदारों के लाभ का बंटवारा करने के लिए, जिसमें हमको इस बात का ध्यान रखना है कि क्योंकि समीक्षा को 8,000 रुपए लाभ की गारंटी दी गई है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हमको देखना है कि समीक्षा के हिस्से का लाभ 8,000 रुपए से कम तो नहीं है। तो यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट By profit and loss account, और 36,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद जब हम 36,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम देखते हैं कि अमित के हिस्से में आता है 18,000 और सुमित के हिस्से में आता है 12,000 और समीक्षा के हिस्से में आता है 6,000। तो यहाँ पर क्योंकि समीक्षा को गारंटी दी गई थी अमित और सुमित के द्वारा,
कि किसी भी प्रकार से उसके हिस्से का जो लाभ है वो 8,000 से कम नहीं होगा। अब क्योंकि उसका लाभ जो है वो 8,000 से कम दिखाई दे रहा है, 6,000 दिखाई दे रहा है, तो ये जो डेफिशिएंसी है समीक्षा के हिस्से की, उसको अमित और सुमित जो है वो अपने जो इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात जो है उस अनुपात के आधार पर उसको वो अपने शेयर में से उसको देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अमित और सुमित और समीक्षा का जो लाभ हानि विभाजन अनुपात है वो 3:2:1 है। और अगर हम सिर्फ अमित और सुमित का अनुपात देखें तो वो हो जाता है 2:3, यानी अमित का जो भाग है वो 3/5 और सुमित का जो भाग है वो 2/5। तो ये जो डेफिशिएंसी की अमाउंट है 8,000 - 6,000 यानी 2,000 की जो डेफिशिएंसी की अमाउंट है उसको अमित और सुमित 3:2 में देंगे समीक्षा को, यानी कि अमित का जो हिस्सा है 18,000 उसमें से हम कितना माइनस करेंगे, 2,000 × 3/2 यानी कि 1,200 जो है वो अमित देगा और बाकी जो 800 बचा वो सुमित देगा। तो यहाँ हम अमित में से, अमित का जो 18,000 का अमाउंट हमको यहाँ शो हो रहा है प्रॉफिट का, उसमें से हम डेफिशिएंसी शेयर जो है वो लेस करेंगे 1,200, तो अमित के हिस्से का प्रॉफिट हम आउटर कॉलम में शो करेंगे 16,800। और सुमित का हमने जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखा था 12,000, उसमें से हम 800 डेफिशिएंसी शेयर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11,200। और समीक्षा का हमने देखा था कि 6,000 उसके हिस्से में आया था, जिसमें अब उसको क्योंकि 8,000 करना है हमको उसको बढ़ाकर, तो अमित उसको देगा 1,200, तो इसको हम यहाँ पर प्लस में शो कर देंगे। सुमित देगा 800, इसको हम यहाँ पर प्लस में शो कर देंगे और टोटल 8,000 इसके हिस्से का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस प्रकार लाभ गारंटी में अगर गारंटी दे दी गई है किसी साझेदार को कि एक न्यूनतम राशि का लाभ उसको होगा, तो अगर उसको लाभ होता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता तो जिन जिन साझेदारों ने लाभ की गारंटी दी थी वो अपने लाभ के अमाउंट से उसकी इस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। तो आपने देखा कि अगर कोई साझेदार किसी नए साझेदार को लाभ की गारंटी दे देता है तो फर्म को लाभ हो या हानि हो या कम लाभ हो, हर कंडीशन में उस नए साझेदार को उतना लाभ दिया ही जाएगा जितनी कि उसको गारंटी दी गई है। कैसे हम उसको ये लाभ प्रदान करते हैं इसकी कैलकुलेशन आपने देखी। अब हम ये देखें कि कई बार जब हम बहुत सारे नियमों के आधार पर लाभ हानि नियोजन खाता, पूंजी खाता बना लेते हैं, उसके बाद जब हम चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट जो हमारी होती है वो टैली नहीं होती। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गलती हमने की है। कितने सारे पॉइंट्स हमने देखे कि जब हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड में हम बहुत सारी चीजों को लिखते हैं, पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदारों को दे वेतन, उनको दे कमीशन, उनके द्वारा निकाली गई आहरण की राशि, आहरण पर प्राप्त ब्याज की राशि, ऐसे बहुत सारे अमाउंट्स हम उसमें लिखते हैं। अब क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन है तो कहीं ना कहीं गलती होना स्वाभाविक है। इन गलतियों को अगर हम खाता बंद करने से पहले ढूंढ लेते हैं तो हम बहुत आसानी से उसका समायोजन कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खाते बंद हो जाते हैं उसके बाद हमको पता चलता है कि कुछ राशि लिखने से रह गई। हमने 11वीं क्लास में त्रुटियों के समायोजन में देखा था, कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस शीट भी टैली हो जाती है और बाद में पता चलता है कि बहुत सारे अमाउंट लिखने से रह गए। वहां पर हमने समायोजन प्रविष्टियों के बारे में पढ़ा था कि अब अगर ऐसा हो तो फिर हम क्या करें, पूरा का पूरा पूंजी खाता परिवर्तित कर दें, पूरा का पूरा हम लाभ हानि नियोजन खाता चेंज करें, बैलेंस शीट में कहाँ हम हेर फेर करें। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए हम कुछ समायोजन प्रविष्टि यानी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। अगर ऐसी कोई त्रुटि हमको दिख गई बैलेंस शीट बंद करने के बाद, जिसकी प्रविष्टि हम नहीं किए, करना भूल गए, एक्स्ट्रा कर दिए, ज़्यादा कर दिए, इस कंडीशन में हम यहाँ पर कुछ समायोजन प्रविष्टियाँ दे देंगे। एक चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कैसे हम इस प्रविष्टि को करें
क्या हमने पूरी की पूरी राशि वहां पर नहीं लिखी है या गलत लिख दी है, या फिर डिफरेंस अगर हम निकालते हैं कि अगर हम बैलेंस शीट टैली कर रहे हैं तो हमारा जो एसेट साइड का जो टोटल है वो 55,000 आ रहा है और लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है वो 50,000 आ रहा है, तो यहाँ डिफरेंस के अमाउंट 5,000 है, तो क्या हम उस 5,000 से एंट्री करें या फिर हम त्रुटि को ढूंढें और देखें कि कहाँ पर कितनी मिस्टेक हुई है। दो कंडीशन है, यहाँ हमको ये देखना है कि अगर पूरी की पूरी राशि से हमको एंट्री करना है तो हम उस पूरी की पूरी राशि को ही डेबिट या क्रेडिट, डिफरेंस दोनों साइड आ सकता है, डेबिट में भी आ सकता है क्रेडिट में, वो एंट्री हम पास कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर अगर हमको केवल अंतर की राशि देखना है तो हम केवल अंतर की राशि को डेबिट या क्रेडिट करके एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही कंडीशन में एंट्री जो होगी वो अलग अलग होगी। तो आइए इस तरह के त्रुटि सुधार के लिए की जाने वाली समायोजन प्रविष्टियों पर एक नज़र डालें और साथ ही साथ हम ऐसे कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें जिससे हम बहुत अच्छे से समझ सकें कि इस तरह की त्रुटियों पर कौन कौन सी समायोजन प्रविष्टियाँ दी जा सकती हैं।